इस वक्त मेरे साथ मौजूद है शफीकुर रहमान बर्क साहब। सर, जिस तरीके की जो है तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, मेवात, नू, सोना, गुरुग्राम, क्या कहेंगे? क्योंकि कहा जा रहा है कि शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है इसमें बताइए, गवर्नमेंट का क्या इंतजाम है? अगर इस तरह के जुल्म और ज्यादतियाँ हो रही हैं और ये पत्थरबाजी और हमारी जवान बेटियां उनको नंगा करके वहां निकाला गया, इससे ज्यादा शर्म। लेकिन सर वो तो मणिपुर में हुआ, लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, शोभा यात्रा के ऊपर पथराव किया गया, गोलियां चलाई गई, इस तरीके का आरोप है। ये आरोप गलत है जी, मुसलमानों ने कोई इस तरह की रुकावट पैदा नहीं करी। लेकिन सर तस्वीरें और वीडियो जो वायरल हो रहे हैं उसमें कुछ ऐसा दिख रहा है, सरकार कह रही है साजिश है। नहीं, ये साजिश मुसलमानों की साजिश नहीं। लेकिन सर तस्वीरों में जो पथराव करते हुए गोलियां चलते हुए जी, अरे भाई वो तो पता ना किधर से पत्थर आ रहा है, क्या आ रहा है, तो मस्जिद में कैसे अंदर घुसकर उनके उनसे मार कैसे डाला, इमाम को मारना। तो सर ये किसने किया फिर, अगर सरकार का ही साजिश है ये, सरकार का ही साजिश है, जो करने वाले हैं वो उन्हीं के इशारों पर कर रहे हैं। किसके? गवर्नमेंट के और किसके? तो शफीकुर रहमान बर्क, जिनका ये कहना है कि सरकार के इशारे पर ये साजिश की गई है। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।